हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आईटी चैनल एसपीटी ट्रिपल नाइन। ये भी बहुत ही स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एडिशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और कंप्यूटर को मैनेज और मेंटेन करने में, एनालिसिस करने में, ऑप्टिमाइज करने में, उसे सिक्योर रखने में मदद करते हैं। जैसे डिस्क क्लीनअप है, सिस्टम में अननेसेसरी फाइल्स, फोल्डर्स, नो लॉन्गर यूज एप्लीकेशन जो होते हैं, हिस्ट्री फाइल्स होती हैं, कुकीज फाइल्स होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो यूजर के यूज की नहीं होती हैं, उनको डिस्क क्लीनअप नाम का प्रोग्राम सिस्टम से क्लीन करता है। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएं तो ये कंप्यूटर में पड़ी हुई अननेसेसरी फाइल्स को उठाकर डिलीट करता है, जिससे आपका सिस्टम इंप्रूव होता है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, मेमोरी फ्री होता है, स्पेस मिल जाता है अदर सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए। क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्रिप्टोग्राफी करते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि किसी एक्चुअल फाइल या डेटा को किसी ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देना जिसे कोई दूसरा ना पढ़ सके, फिर हम उसे ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसमिशन करने के बाद वहां पे फिर वापस से उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है एक्चुअल फॉर्म में। तो सिक्योरिटी पर्पज से हम डेटा को स्पेशल कोड में बदल देते हैं जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उन्हें क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में स्कैटर्ड मैनर में आई हुई फाइल्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में लगाता है। हम सिस्टम में फाइल्स बनाते हैं, फिर उन्हें डिलीट करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर डिलीट करते हैं। ऐसा करते करते कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसमें ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं, तो जो फाइल्स बन रही हैं वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती हैं और उन्हें आपस में लिंक करके रखा जाता है। तो ऐसा करते करते फाइल्स पूरी मेमोरी में बिखर जाती हैं। बिखरी हुई फाइल्स को कलेक्ट करके ओपन करना और क्लोज करना ये काफी टाइम टेकिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम रन कराने से ये एक फाइल से रिलेटेड सभी पार्ट्स को एक साथ कलेक्ट करके रखता है और पूरी मेमोरी में जो फाइल्स बिखरी हुई हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में लगा के अरेंज कर देता है, जिससे कि आपकी फाइल्स जल्दी ओपन होती हैं और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा डेटा कंप्रेसर है जो डेटा को कंप्रेस करते हैं। आपके सिस्टम में अगर स्पेस कम है या कम स्पेस में आप ज्यादा डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो डेटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जो एक्चुअल फाइल के साइज को कम कर देते हैं, उसे कंप्रेस कर देते हैं, और जब हमें एक्चुअल फाइल चाहिए होती है तो उसे डीकंप्रेस करते हैं उन्हीं सॉफ्टवेयर से, तो हमें एक्चुअल फाइल मिल जाती है। बैकअप सॉफ्टवेयर, क्या हो कि अगर आपका सिस्टम टूट जाए, जल जाए, तो आपको आपका डेटा जो आपने कंप्यूटर में रखा था वो कहां से मिलेगा? बैकअप फाइल से। हम अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिन्हें हम बैकअप सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में बनने वाली फाइल्स और डेटा की कॉपी बना करके किसी दूसरी लोकेशन में या दूसरे स्टोरेज में भेजते रहते हैं, जिससे कि अगर आपका ये सिस्टम खराब हो जाता है, जल जाता है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, डैमेज हो जाता है, तो आप अपने डेटा की जो कॉपी है वहां से आप अपने डेटा को वापस से एक्सेस कर सकते हैं, वापस से पा सकते हैं। एंटीवायरस, आपने नाम तो बहुत सुना होगा इसका। एंटीवायरस एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को वायरस से बचाता है, वायरस से प्रिवेंट करता है। बहुत तरह के एंटीवायरस मार्केट में आते हैं, आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे कुछ लिस्ट मैंने दी हुई है एंटीवायरसेस की। बिट डिफेंडर, क्विक हील, नॉर्टन, अवास्ट, K7 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं एंटीवायरस जो मार्केट में यूज होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के काम आएगा तो इसे शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।